In class 2, how are you all? Please open your Mathi series page number 86. आप अपने Mathi series का page number 86 open करें. Unit fraction. Exercise number 1 solve करेंगे. Complete the table. ये table है. We have to complete it fraction in words. देखें ये सारी fractions देखिए words में. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. 1/10 देखिए ये सारी फ्रैक्शन जो है टॉप नंबर इसमें 1 है. फ्रैक्शन इन नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स में, फिर टॉप नंबर लिखेंगे, फिर आप बॉटम नंबर लिखेंगे. ठीक है बेटा. अब आपको मैं बताऊँ कि जिन फ्रैक्शन का टॉप नंबर 1 होता है उनको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि उनका टॉप नंबर 1 ही होता है. सो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में टॉप नंबर क्या होता है 1. देखें सब में 1/3, 1/4, 1/5 सब में क्या है टॉप नंबर 1 है. नाउ वी विल राइट इन फिगर. 1/2 कैसे लिखेंगे, 1/1/2. इसमें टॉप नंबर क्या है 1 एंड बॉटम नंबर इज 2. टॉप मीन्स लाइन से ऊपर का नंबर, बॉटम मीन्स लाइन से नीचे का नंबर. तो ये क्या हो गई यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है. अब 1/3 नेक्स्ट इज 1/3. वी विल राइट लाइक दिस 1/3. इसमें टॉप नंबर क्या है 1 एंड बॉटम नंबर इज 3. यस 1/4. क्वार्टर मीन्स किसी भी शेप का, किसी भी आपके पास जो भी शेप है उसका फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा. क्वार्टर मीन्स फोर्थ पार्ट. तो 1/4 क्वार्टर का मीनिंग फोर्थ. चलिए इसमें टॉप नंबर क्या है 1 एंड बॉटम नंबर इज 4. These all are the unit fractions. Okay, 1/5 and top number is 1 and bottom number is 5. ये मैं पूरे पेज आपको सोल्व करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके 1/6, 1/6 लिखेंगे. टॉप नंबर 1, बॉटम नंबर 6. 1/7, 1/7. टॉप नंबर इज 1, बॉटम नंबर इज 7. 1/8, 1/8. ओके टॉप नंबर इज 1 एंड बॉटम नंबर इज 8. ओके 1/9, 1/9. इसमें क्या है टॉप नंबर इज 1, बॉटम नंबर इज 9. 1/10, 1/10. टॉप नंबर इज 1 एंड बॉटम नंबर इज 10. देखें इन सारे फ्रैक्शंस में टॉप नंबर क्या है 1. देखिए इसमें भी 1, सब में देखिए आप टॉप नंबर. बॉटम नंबर को देखना आपने देखना है जिसमें टॉप नंबर अगर 1 है तो दैट इज द कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है बेटा. अ फ्रैक्शन विद टॉप नंबर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ऑल द फ्रैक्शंस डिस्कस्ड अबव आर यूनिट फ्रैक्शन. यानी कि जिसका टॉप नंबर 1 होता है उसको क्या कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन. ये सारी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी यूनिट फ्रैक्शन. ओके बेटा मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको यूनिट फ्रैक्शन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी. यू हैव टू सॉल्व दिस पेज नंबर 86. ओके बेटा आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.